सभी खिलाड़ियों को मेरा जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो मुझे पता है आप खूब सारी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी खूब मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, मेहनत के साथ साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें पार्टिसिपेट तब होगा जब आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उनको उनमें कैसा प्रतिभाग किया जाए। तो मैं अभी खिलाड़ियों को और उनके पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अभी जो है कंपटीशन स्टार्ट हो गए हैं, स्कूल कंपटीशन और अपने यूनिवर्सिटी के कंपटीशन आने वाले हैं, जो काफ़ी अभी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन नवंबर और दिसंबर में होते हैं, उससे पहले आपका इंटर कॉलेजेस होंगे, तो आपने इन चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कंपटीशन निकल जाए और आपको पता ही न चले, ऐसा होता है खिलाड़ियों के साथ। और ऐसे ही स्कूल्स, जो स्कूल्स लेवल में खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है मेरा कि आपके भी स्कूल की कॉम्पिटिशन शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग भी उनमें पार्टिसिपेट करिए। और उनमें पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है मैं बताऊँगा। SGFI जो होता है, उनके नेशनल आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप जिस बोर्ड में पढ़ते हैं, कहने का मतलब अगर आप जो हैं CBSE बोर्ड के पढ़ाई करें, CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको CBSE का क्लस्टर खेलना पड़ेगा। CBSE क्लस्टर के बाद आपका CBSE नेशनल होगा, उसके बाद आपकी एक टीम बनेगी CBSE की, वो SGFI में उतरेगी। स्कूल गेम जिसे बोलते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसकी उसकी मान्यता होती है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसके बेस पे आपका जो है स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियां आप जो है ले सकते हैं, अगर आपने जो है उस लेवल तक पहुंचे हैं। उसका नेशनल खेलना, आपने स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल अगर आपने खेल लिया, तो आप जो है स्पोर्ट्स कोटे की जॉब निकलते हैं, रेलवे में, आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में, और बैंक में, और जगह भी निकलती है, तो आप उनमें जो है स्पोर्ट्स कोटे की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे खिलाड़ियों के मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं कि कोच साहब, हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज में तो ये गेम होते नहीं, हमारे इसमें बॉक्सिंग होती नहीं, कराटे होते नहीं, स्विमिंग होती नहीं, तो हम कैसे पार्टिसिपेट करें इसमें? देखो, इसका सिंपल तरीका है, आप जो है अभी से अपने स्कूल में जो फिजिकल टीचर हैं उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे कि सर, मैं इस गेम का खिलाड़ी हूँ और मैंने फेडरेशन के जो टूर्नामेंट्स हैं वो इस लेवल तक खेला है। अगर आप स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं, स्टेट कॉम्पिटिशन में आपके मेडल हैं, तो उनको बताएं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में मेडल हैं, तो उनको बताएं। अगर आप जो है नेशनल खिलाड़ी हैं, तो आप उनको बताएंगे मैं नेशनल लेवल खिलाड़ी हूँ और मुझे स्कूल्स कॉम्पिटिशन खेलने हैं। तो अगर आप स्कूल, आपके स्कूल में गेम हो चाहे ना हो, तो स्कूल क्या करेगा, आपके जो क्लस्टर, सारे स्कूलों के पास नोटिफिकेशन जाती है जब आपके क्लस्टर गेम होते, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के हों, तो उनकी नोटिफिकेशन जाती है। अगर वो जो है CBSE स्कूल में पढ़ते हैं आप, तो CBSE जो क्लस्टर कराएगी, आपका कॉलेज स्कूल जिस क्लस्टर के अंदर आ रहा है, आपके स्कूल में 100% नोटिफिकेशन आएगी, और स्कूल नील लिख के देता है कि हमारे पास इस गेम के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है। तो अगर आप उस कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप अपने स्कूल में जाएं, उनसे बात करें, और अगर वो आपको नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को ले जाएं, पेरेंट्स उनके ऊपर, पेरेंट्स उनसे बात करेंगे और स्कूल आपको खिलाने ले जाएगा। अभी मेरे पास भी ऐसे ही है, मैं बॉक्सिंग का कोच हूँ, और मेरे पास जो है कुछ CBSE के बच्चे हैं, कुछ उत्तराखंड बोर्ड से बच्चे हैं, तो कुछ कॉलेजेस के बच्चे हैं। आज तक हमारे शहर रुड़की से कोई भी बच्चा जो है स्कूल के गेम नहीं खेले था बॉक्सिंग से, तो हमने जो है उनको, किसी को उत्तराखंड बोर्ड से खिलाया है, किसी को CBSE बोर्ड से क्लस्टर खेले हैं, और इंटर यूनिवर्सिटी, हमारे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक भी हमारे बच्चे पहुंचे, जबकि पहले जो है हमारे शहर रुड़की से कोई बच्चे जो है इंटर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेले थे, स्कूल गेम नहीं खेले थे। तो हमारे पास रह के बच्चों ने नॉर्थ जोन कॉम्पिटिशन 2019 में चंडीगढ़ में भी पार्टिसिपेट करने गए थे बच्चे, तो हमने खेल का सिस्टम यहाँ पे शुरू किया। फिर भी हमारे शहर में कल ही मुझे एक कॉल आया था, लड़के का नाम आदित्य पुंडीर लड़का है, बॉक्सिंग खेल रहा है, उसने मुझे कॉल किया था हमारे शहर रुड़की से, कोच साहब अभी जो आने वाले कॉम्पिटिशन है, मैं CBSE स्कूल में पढ़ता हूँ, तो किस प्रकार होगा, मेरे स्कूल में जो है बॉक्सिंग गेम नहीं है, तो मैं किस प्रकार जो है क्लस्टर पे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो उसको मैंने बताया कि वो जाके अपने PTI फिजिकल टीचर से मिलेगा, उनको बताएगा मैं स्टेट मेडलिस्ट खिलाड़ी हूँ और मैं बॉक्सिंग से जो हूँ क्लस्टर खेलना चाहता हूँ। तो अगर उसकी बात PTI सुनेंगे और प्रिंसिपल साहब के पास ले जाएंगे, और उनको खेलने के लिए वो जो स्कूल का जो क्या बोलते हैं स्कूल का जो
तरीका होता है, स्कूल वाले आप उनको पता है, उनके बाकी गेम भी जाते हैं, अगर बॉक्सिंग नहीं जाते तो बाकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता रहता है, तो वो जो है आगे बात करके आपको पार्टिसिपेट कराएंगे। तो इस प्रकार आप सभी खिलाड़ी चौकन्ना हो जाइए, अपने अपने फिजिकल टीचर से मिलिए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, स्कूल से बात करिए। ऐसे ही मैं रुड़की शहर में आया तो विद्या भारती के स्कूल में हमारे कम से कम 6 बच्चे पिछले साल विद्या भारती का नेशनल खेले, और ये लोग अंडर 14 से थे, तो SGFI गेम नहीं हुए थे पिछले साल, जो हुए थे अभी इस साल कराए पिछले साल के गेम, तो उसमें अंडर 17 थे, तो उसमें हमारे खिलाड़ी नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि उसकी इवेंट हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार हमारे खिलाड़ी विद्या भारती के नेशनल में जा रहे हैं, वो जो है उत्तर क्या बोलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्लियर कर चुके हैं, अब वो जो है विद्या भारती का नेशनल खेलने जा रहे हैं, और उसके बाद विद्या भारती की जब टीम बनेगी उसमें वो नेशनल में आएंगे तो SGFI खेलेंगे, जो उनको खेल कोटे से नौकरी के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग भी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जाके अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलिए और उनको बताइए मैं बॉक्सिंग के इस लेवल तक का खेला हूँ, चाहे आप कोई लेवल तक नहीं खेले तो मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेल रखा हूँ पहले और मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आप लोग को वो पार्टिसिपेट कराएंगे। तो आप अगर आपसे नहीं बात हो पा रही है तो आप जाके अपने पेरेंट्स से बात करवाइए, वो वहाँ बात करेंगे और आपको खेलने को मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आप कल ही अपने कॉलेज अपने स्कूल में जाइए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बात करिए और अपना खेल खेलिए, क्योंकि खेलने से ही जब आपका जो है खेलेंगे उसके आपके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, बिल्कुल वैलिड सर्टिफिकेट होते हैं स्कूल के, उनकी मान्यता होती है, तो जब आप जो है नेशनल लेवल पे इस प्रोसेस से पहुंचेंगे तो आपको स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।